नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हिंदखोज डिक्शनरी में स्वागत है। यहाँ पर हम सीखते हैं वोकैबुलरी रूट वर्ड्स के थ्रू। इसके लिए बेस है बुक वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन ल्यूइस। तो आज का हमारा सेशन है हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस फेनोमेनन एंड अकरेंसेस पार्ट टू। पार्ट वन अगर आप रेफर करना चाहते हैं, अभी तक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप रेफर कर सकते हो। तो आज के पार्ट टू सेशन का हमारा पहला वर्ड है विकेरियस। विकेरियस जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है विच मीन्स एक्सपीरियंस्ड इन द इमेजिनेशन थ्रू द फीलिंग्स और एक्शंस ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि किसी दूसरे अन्य व्यक्ति की भावनाओं या कार्यों को माध्यम से कल्पना करके अनुभव करना। समझ गया? किसी और व्यक्ति की भावनाओं या कार्यों के माध्यम से कल्पना करके अनुभव करना, वो होता है विकेरियस। इस वर्ड का एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण होता है विकेरियसली। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सिंस आई हैव मैनी फूड एलर्जीज आई टेंड टू बी विकेरियस ईटर हु एंजॉयज फूड थ्रू द स्टोरीज ऑफ अदर्स। क्योंकि मुझे खाने का काफी शौक है और काफी चीजों से एलर्जी है, इसीलिए मैं दूसरे के द्वारा कही गई कहानियां उनकी स्टोरी से इमेजिन कल्पना करके मजे ले लेता हूँ। क्लियर है? समझ गए आप? ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे वर्ड एफिमेरल के बारे में। यह वर्ड बना है रूट वर्ड एफिमेरा से विच मीन्स डे फ्लाई। डे फ्लाई यानी कि एक ऐसा कीड़ा जो केवल एक दिन तक ही जीवित रहता है। तो एफिमेरा का मतलब क्या हुआ? ऐसा कुछ जो काफी कम समय तक याद रह सकता है, वो हुआ। ठीक है, अब इसी रूट वर्ड से बने वर्ड एफिमेरल का मीनिंग होता है लास्टिंग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ ऐसा जो काफी ही कम समय के लिए हो। क्लियर है? इस वर्ड का नाउन होगा एफिमेरलिटी। क्लियर है? नाउन वर्ड अब एकदम ही क्लियर होगा, क्योंकि अब सबको काफी बार बताया गया है जब भी सफिक्स में ITY लगाते हैं तो एडजेक्टिव वर्ड बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब आगे बढ़ेंगे और एक एग्जांपल देखेंगे। बिकॉज ऑफ हिज एफिमेरल मेमोरी शी फॉरगेट्स थिंग्स ऑल द टाइम। वो अपने भूलने की आदत के कारण हर समय सारी चीजों को भूल जाती है। अब हम जानेंगे वर्ड इवेनिसेंट के बारे में। यह बना है रूट वर्ड वेनिस्को से विच मीन्स टू वेनिश, यानी के गायब होना, डिसअपियर हो जाना। तो इसी रूट वर्ड से बने वर्ड इवेनिसेंट का मीनिंग होता है सून पासिंग आउट ऑफ साइट मेमोरी और एग्जिस्टेंस, यानी जल्द ही नजर, याद या किसी के अस्तित्व को भूल जाना। क्लियर? इसी वर्ड का वर्ड है इवेनिस और नाउन है इवेनिसेंस। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। Rainbows are evanescent because they do not stay around for long periods of time. Rainbow, यानी कि इंद्रधनुष थोड़ी ही देर में गायब हो जाते हैं, क्योंकि वह लंबे समय तक नहीं रहते हैं, थोड़े ही समय तक दिखते हैं और फिर वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फिर आता है वर्ड euphemistic, जो कि बना है रूट वर्ड फेम से विच मीन्स वॉइस, यानी कि आवाज। इसमें प्रेफिक्स EU एड हुआ है विच मीन्स गुड, यानी कि अच्छा, नाइस। तो इस वर्ड का मीनिंग होता है द क्वालिटीज ऑफ रिवॉर्डिंग अ हार्श एक्सप्रेशन फॉर वन दैट इज माइल्डर, यानी ऐसी विशेषता जो किसी कड़वी बात या दिल को चुभने वाली बात को भी अगर कहना हो तो उसे काफी मधुरता से पेश करके कहेंगे। समझ गए? ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। The parents were glad that the teenagers used their euphemistic way of addressing the senior citizen instead of her calling them old people. Clear? माता पिता ये देख के काफी खुश हुए कि teenagers ने जब बुजुर्गों से बात की तब उन्होंने उन्हें उनके बुढ़ापे को ध्यान में रखते हुए उन्हें बुढ़े लोग ना कहकर बल्कि सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक कह के अच्छे से बुलाया। अब आता है वर्ड यूफोनी। ये भी बना है रूट वर्ड फेम से ही विच मीन्स वॉइस, यानी कि आवाज। और इसमें भी प्रेफिक्स यू एड हुआ है विच मीन्स गुड, यानी कि अच्छा, जैसे कि हमने अभी जाना। तो इसी रूट वर्ड से बने वर्ड का मीनिंग होता है
अ प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स एंड सिलेबल्स विच इज प्लीजिंग टू ईयर, यानी के शब्दों और अक्षरों का ऐसा अच्छा उच्चारण जो सुनने में कानों को बहुत अच्छा लगता है, भाता है, ओके? इसी वर्ड के एडजेक्टिव वर्ड होते हैं यूफोनिक, यूफोनियस। एक एग्जांपल देखेंगे। The euphony in the jingle is so catchy, I cannot stop singing the tune. उस जिंगल की ट्यून या उसका तराना इतना स्वीट और अच्छा है कि मैं उसे गाने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। जिंगल सुनते ही आकर्षित हो जा रहा हूँ और गाते ही जा रहा हूँ। आता है वर्ड यूलॉजी। ये बना है रूट वर्ड लोगोस से, विच मीन्स वर्ड और स्पीच, यानी के शब्द या भाषण। इसमें प्रेफिक्स ईयू ऐड हुआ है, विच मीन्स गुड, यानी के अच्छा। तो इसी से बने वर्ड का मीनिंग होता है a speech given to pay tribute to a deceased individual, usually at a funeral, यानी आम तौर पर अंतिम संस्कार में मृत व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए दिया गया भाषण। क्लियर? इस वर्ड का एडजेक्टिव वर्ड है eulogistic। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। Because the deceased soldier was such an honorable man, his commanding officer delivered his eulogy. क्योंकि मृत सिपाही इतना सम्मानित व्यक्ति थे, उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनके स्तवन का उद्धार किया। नेक्स्ट वर्ड है योलॉजिस्ट, जो कि बना है रूट वर्ड लॉगोस से ही, विच मीन्स वर्ड और स्पीच, यानी के शब्द या भाषण। इसमें भी प्रेफिक्स यू ऐड हुआ है, विच मीन्स गुड, यानी के अच्छा। तो योलॉजिस्ट मीन्स एन ओरेशन टू ऑनर अ डिसाइज्ड पर्सन हु डिलीवर्स यूलॉजी, यानी कि एक मृत व्यक्ति को सम्मानित कराने या स्तवन कराने का आदेश। एग्जांपल के तौर पे जो हमने अभी जाना, बिकॉज द सोल्जर वॉज एन ऑनरेबल मैन हिज कमांडिंग ऑफिसर डिलीवर्ड हिज यूलॉजी, ये हमने पिछले वर्ड में ही समझा। यहाँ कमांडिंग ऑफिसर यूलॉजिस्ट है जो आदेश दे रहे हैं। क्लियर? अब हम जानेंगे कुछ और वर्ड्स जो कि रूट वर्ड लोगोस से ही बनते हैं। अब आपको पता ही होगा लोगोस का मीनिंग क्या होता है, यानी कि वर्ड्स और स्पीच, शब्द या भाषण। वेरी गुड, क्लियर। अब देखते हैं कुछ वर्ड्स जो लोगोस रूट वर्ड से बने हैं। पहला आता है फिलोलॉजी, स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल प्रोज, पोएट्री एंड लिंग्विस्टिक फील्ड्स, यानी के ऐतिहासिक प्रोज, कविता और भाषाओं के क्षेत्रों का अध्ययन। उसके बाद आता है वर्ड मोनोलॉग, विच मीन्स अ ड्रॉन आउट स्पीच बाय अ सिंगल पर्सन दैट कंट्रोल्स अ कन्वर्सेशन। मोनोस मीन्स सिंगल, लोगोस मीन्स वर्ड और स्पीच। तो मोनोलॉग का मतलब हुआ, यानी कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा खींचा हुआ भाषण जो बातचीत को बांधे रखता है। फिर आता है वर्ड डायलॉग, एन एक्सचेंज ऑफ थॉट्स और आइडियाज बिटवीन टू और मोर पीपल। यहाँ डाय मीन्स टू एंड लोगोस मीन्स वर्ड और स्पीच। तो डायलॉग यानी के दो या अधिक लोगों के बीच सोच विचार का आदान प्रदान। फिर अगला वर्ड आता है एपिलोग, अ ब्रीफ स्पीच दैट एंड्स अ लिटरेरी क्रिएशन, यानी के एक संक्षिप्त भाषण जो के एक साहित्यिक रचना को समाप्त कराता है। फिर आता है वर्ड यूथेनेसिया, जो कि बना है रूट वर्ड थैनेटोस से, विच मीन्स डेथ, यानी कि मृत्यु। तो इसी वर्ड से बने, रूट वर्ड से बने वर्ड का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ टर्मिनेटिंग द लाइफ ऑफ एन एनिमल और पर्सन हु इज सफरिंग, यानी कोई जानवर या व्यक्ति जो पीड़ित है और उनकी पीड़ा कभी ठीक नहीं हो सकती है, तो उनके जीवन को समाप्त करना। अगर एक शब्द में हम इसे कहें तो इसे हम इच्छा मृत्यु भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। Euthanasia will put my elderly dog out of his misery. इच्छा मृत्यु मेरे बुजुर्ग कुत्ते को उसके दुख दर्द से मुक्ति देगा, बाहर निकालेगा। फिर आता है वर्ड badinage, which means humorous or witty conversation, यानी कि मजाकिया या witty conversation. Next आता है persiflage, which means dialogue that is joking and playful, यानी कि ऐसा संवाद जो मजाकिया और चंचल है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको। सिंस यू यूज पर्सिफ्लेज आई न्यू यू वर जोकिंग अबाउट माई अपियरेंस, क्योंकि आपने प्लेफुली कहा मुझे पता चल गया
कि आप मेरी उपस्थिति का मजाक बना रहे हैं। फिर आखिर में इस सेशन का लास्ट वर्ड आता है क्लिंच, अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड एक्सेसिवली, यानी कि एक ऐसा शब्द या मुहावरा जो काफी ज्यादा बार इस्तेमाल होता है या जिसका अधिक उपयोग हुआ है। तो ये था हमारा आज का सेशन, हाउ टू टॉक अबाउट कॉमन फेनोमेनन एंड अकरेंसेस पार्ट टू। जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, पार्ट वन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी, आप रेफर कर सकते हो। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी नॉलेज मिली होगी, काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपको मदद जरूर हुई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अपने दोस्तों को के साथ भी शेयर कर लीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे अपकमिंग नोटिफिकेशंस भी आपको तुरंत मिलते रहे। पार्ट 3 हम जल्दी लाएंगे और फिर मिलेंगे। धन्यवाद।